चौथी क्लास में पढ़ने वाले आदित्य राज 5 साल की उम्र से ही पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और हर साल सैकड़ों पेड़ पौधे लगाते हैं। आदित्य राजे के इस काम को देखते हुए मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में उन्हें पीएचडी की उपाधि से भी नवाजा गया है। मुझे मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से मिली है पीएचडी और ये हुआ था दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और मुझे स्पेशल कैटेगरी वर्क प्रोफाइल बेस पे मिली है एनवायरमेंट एंड योगा पे। क्या होता है ये एनवायरमेंट एंड योगा, किस तरह से आप उसको कैटेगराइज करते हैं? देखिए एनवायरमेंट हो गया हमारे फॉरेस्ट और जितनी भी ग्रीनरी होती है और जितने भी प्लांट होते हैं और जितने टाइप के भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, और योगा हो गया जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हम हेल्दी रहते हैं, तो उसके लिए योगा होता है। कब से आपने ये शुरू किया, किस तरह जिज्ञासा आई आपको इसमें? मैं 5.5 या 5 ईयर से स्टार्ट किया था और मुझे इस पे मेरी दादी ने मेरे को सपोर्ट किया था, इसके बारे में बताया था। क्या क्या मतलब किस तरह आपने शुरू किया इसको? मैंने सबसे पहले कुछ लोगों के साथ मिलकर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया अलग अलग जगह में छत्तीसगढ़ में, जैसे भिलाई हो गया, राजिम हो गया, दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया और बहुत सारी हो गई, जबलपुर हो गया, ऐसे ऐसे जगह पे जाके। फिर आपने आगे क्या क्या किया? आगे थोड़े दिनों बाद मैं उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे CM श्री रमन सिंह जी, उनके पास गया था, उनसे थोड़ी एनवायरमेंट के बारे में डिस्कशन हुई थी मेरी। किनसे मुलाकात हुई? मैंने राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी, उनके साथ थोड़ी एनवायरमेंट और योगा पे बात हुई, उनके बारे में फिर हमने कुछ प्लान स्टार्ट किए थे, उससे लोगों को इंटरेस्ट आता गया और वो मेरे साथ आते गए एनवायरमेंट और योगा को बढ़ाने के क्षेत्र में। अभी आपको जो पीएचडी की उपाधि मिली है वो किसने दी है और किस तरह दी है, आपको रिकॉग्नाइज उन्होंने कैसे किया? देखिए मैं 6 ईयर्स जब का था, 6 ईयर्स का था, उस समय से मैं अपनी सारी वर्क प्रोफाइल जितनी मैं करते जा रहा था वो मैं सबमिट करते जा रहा था साथ में, और हर दिन कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते थे, फिर बहुत बार मैं रिजेक्ट भी हुआ था, पर फिर थोड़े दिनों पहले आया था मैसेज तो उनने बोला था। क्या कहाँ गए थे? मैं मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को पीएचडी मिली और मैं दिल्ली गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। पर्यावरण को लेकर क्या सोचते हैं? पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, क्योंकि पर्यावरण में ही फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में ही ट्री होते हैं और ट्री से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हम अभी जितने भी लोग हैं सब ऑक्सीजन पे ही जिंदा हैं, ऑक्सीजन पे ही लिव कर रहे हैं, तो उसके बारे में मेरे को जागरूकता हुई, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग फॉरेस्ट को हटा रहे थे, ट्री कट कर रहे थे।